बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी, दिस इज़ नईम मुल्ला कुरैशी। आज ज़रा मैं बाहर मौसम अच्छा था, सोचा मैं थोड़ी सी छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो गाइडलाइंस पर मुश्तमिल आपसे यहाँ बाहर आके बना लेता हूँ। सो आज की जो वीडियो है उसका जो मतलब है वो ये है कि आज से दो दिन पहले मैंने अपनी तमाम तर वीडियोज़ को, अपने तमाम तर कॉन्टेंट को रीऑर्गनाइज करने के लिए, उसको रीअरेंज करने के लिए क्या किया, उसको प्राइवेट किया, ठीक है। और मैंने ऐसे दिनों का इंतखाब किया अपनी तरफ से जो कि मुहर्रम उल हराम की वजह से मसरूफ़ तरीन अयाम है, ताकि तमाम लोग अपनी अपनी मजहबी प्रैक्टिसेस में जो है वो मसरूफ़ होते हैं। तो इस दौरान आई थॉट कि मैं ज़रा ये काम कर लूँगा तो लोग थोड़ा सा कम डिस्टर्ब होंगे। लेकिन मीनवाइल आई कलेक्टेड अ लॉट ऑफ ह्यूज रिस्पॉन्स एनीवन क्रिटिसिज्म, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये वीडियोज़ किस पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पर प्राइवेट किए। तो बेसिकली उनको नहीं आइडिया था, तो नो इशू एट ऑल मुझे इससे कोई, हालांकि बहुत सारे ऐसे वैसे कॉमेंट्स आए मुझे, लेकिन इट्स ओके, नो इशू, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग फॉर योर बेटरमेंट दैट टाइम। तो उसमें बेटा तब्दीलियाँ की गई हैं, तमाम मेरे बहन भाई जो भी सुन रहे हैं वीडियोज़ को, कुछ मुझे बार बार ये मैसेजेस मौसूल होते थे कि सर ये प्लेलिस्ट में फ़लानी वीडियोज़ मौजूद नहीं है, इसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद नहीं है, यहाँ से वीडियोज़ गायब हैं, इसका वीडियोज़ का अगला चैप्टर नहीं मिल रहा, फ़लाँ फ़लाँ, और इस किस्म के बहुत सारे इशूज़ और बहुत सारे वो ऑडियंस। हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी ऑडियंस को ना उसका टाइम ना वेस्ट करूँ और वो जल्द अज़ जल्द अपने कंटेंट को फॉलो करते रहे, उनको चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, वेस्ट ना करना पड़े टाइम। तो मैंने उस पर ना थोड़ा सा काम किया है, जस्ट सपोज न्यू प्लेलिस्ट ने क्रिएट किए हैं, ठीक है, सब को उनकी मुतलका प्लेलिस्ट में रखा है, नंबर वन। नंबर टू, जस्ट लाइक क्रक्स ऑफ एजुकेशन की किताब थी, उसको सारा मैंने जब डिस्कस कर लिया तो उसकी जो थंबनेल बने हुए थे वो उस तरह नहीं थे जिस तरह मैंने सारी बुक्स के बनाए थे, जिस तरह उन पर लेक्चर नंबर 1, 2, 3 लिखा होता है। तो उस पर मैंने नए थंबनेल बना के उन पे सारे थंबनेल नए लगाए हैं, ताकि जो भी लिसनर आए, जो भी व्यूअर आए, तो उसको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 से पता चल जाए कि मैंने 1 ले लिया है, 2 जो है मैंने वो कवर कर लिया, 3, इस तरह वो बाकी डिटेल्स और माइक्रो डिटेल्स की तरफ ना जाए, वो अपने इस नंबर और डिजिट को याद रखेगा, तो उससे वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगा। इस किस्म की बाकी चेंजेस किए हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोज़ आपको ना वीडियो सेक्शन में और प्ले लिस्ट में हिडन मिलेंगे अभी भी। अब उससे मुराद, अब जो पीछे ट्यूबवेल की आवाज़ आ रही है, होपफुली यू विल बी एंजॉयिंग एट दैट टाइम, ओके। अब इस किस्म की कोई वीडियो आती है जो क्या है, हिडन है, जो प्लेलिस्ट में हाइड है, उससे मुराद वो वाली वीडियो है जो आपके लिए आउटडेटेड है। कैसे, मिसाल के तौर पर आज से 2 साल पहले पेपर हुआ तो हमने उस पर वीडियो बनाई थी कि इसका रिजल्ट कब आएगा, तो वो आज के लिए आउटडेटेड है। इस तरह कोई पेपर कैंसिल हुआ था तो हमने उसकी कॉजेज पे वजूहत पे वीडियो बनाई थी कि ये पेपर क्यों कैंसिल हुआ, ठीक है, उसकी वजह, तो वो आज के लिए आपके लिए आउटडेटेड वीडियो है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो आउटडेटेड हैं, जो आपके लिए रेलिवेंट हैं, ऐसे खाम खाम का टाइम कंज्यूम कर सकती थी, आपके लिए अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो वाली वीडियो हमने रिमूव कर दी है। तो अब कोई भी ऐसी वीडियो जो आपको कहीं पे प्लेलिस्ट में, कहीं भी वीडियो सेक्शन में हिडन नज़र आती है, तो ऑनवर्ड, फ्रॉम द डे ऑनवर्ड, वो एक ऐसी वीडियो होगी जो आज के लिए आउटडेटेड है, ठीक है, और आपके लिए वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितनी भी कंटेंट पर मुश्तमिल वीडियोज़ हैं, मैंने उनको दोबारा रिऑर्गनाइज करके, उनको दोबारा अरेंज करके, बिल्कुल सिमेट्री में, तरतीब में, उनके अलग अलग प्लेलिस्टों में, क्वालिफाई बी एड, एम एड, क्रैक्स और पर्सोना और पास पेपर को वो जो है वो कर दिया, अपलोड कर दिया। अब एक और चीज़ मैं जहाँ आपको बताऊँ, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे फिर मुझसे पूछते रहते हैं, कमेंट्स में भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, वो करते रहते हैं बेचारे, और इस तरह जो है ना वो माहौल जो है वो थोड़ा सा ना अच्छा नहीं बनता, वो उनका टाइम भी वेस्ट होता है। अब मैंने क्वालिफाई एम एड के जो है ना एक ऐसी प्ले लिस्ट थी जो पुरानी प्ले लिस्ट थी, जिसको मैंने जब शुरू शुरू में चैनल बनाया था तो मैंने उसकी प्ले लिस्ट बनाई थी। अब मैंने पिछले 2-3 महीने पहले मैंने उस पूरी बुक को न्यू कमेंट्री के साथ अपलोड किया, तो उसकी जो पुरानी प्लेलिस्ट है वो आपको डिसेबल शो होगी। तो इससे मुराद ये नहीं है कि वो मैंने क्वालिफाइड एमएड जो है वो डिसेबल कर दिया या हाइड कर, इससे मुराद ये है कि आपको मैंने प्लेलिस्ट नई बना के दी, आप नई कमेंट्री को फॉलो करें, क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा बुक्स को अपलोड कर रहा था उसमें मुझसे कुछ गलतियाँ भी हो गई थी, कुछ मैं चीज़ चाह रहा था कि आप नए अंदाज़ से उनको मैं प्रेजेंट करूँ, कुछ मैंने फाइंडिंग ऐसी बाद में ली जो मुझे करेक्ट करनी पड़ी, ठीक है। तो मैंने असर नौ उस पूरी बुक को ही असर नौ एक नई प्लेलिस्ट, न्यू प्लेलिस्ट के तौर पर जो है आप खिदमत में पेश किया है, तो आपको पुरानी प्लेलिस्ट आपको हिडन शो होगी, इसलिए क्योंकि वो मैंने नई बुक दोबारा अपलोड कर। इसी तरह एक और बात, पास पेपर मैंने 2 बार जो है वो अपने चैनल पर अपलोड किए, 2 बार। अब वो जो पुराने वाले पास पेपर थे उनको मैंने दोबारा हाइड कर दिया है, मैंने उन पर भी नई कमेंट्री किया है, न्यू डिस्कशन किया, उन पर मैंने नई प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो पुराने वालों पास पेपर की लिस्ट अगेन प्लेलिस्ट में जाके आपको हिडन शो होगी। तो इससे मुराद ये नहीं है कि वो आपसे वीडियोस मैंने, अल्लाह माफ़ करे, छुपा के रखी हुई हैं, अल्लाह शुक्र है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मैन, ठीक है। वो क्या है, वो ऑब्वियसली यही है कि मैंने उस पर एक नई वीडियो क्रिएट कर ली है, सारी वीडियोज़ नई क्रिएट कर ली, अब वो आप न्यू प्लेलिस्ट पे जाएं।
तो जितनी भी प्लेलिस्टों में कोई डाटा या कोई वीडियो हिडन है तो यू प्लीज़ डोंट थिंक कि आपसे वो कोई चीज़ जो है वो छुपा ली गई है या ऐसे, देयर इज़ नो केस लाइक दैट। ठीक है, वो सिर्फ ये है कि मैंने सारा वो कंटेंट जो एक्चुअली प्योर कंटेंट है उसको आपके सामने रहने दिया, उसको तरतीब से आपके सामने पेश कर दिया और उन पर नई डिस्कशन और नई प्लेलिस्ट बना दी। ठीक है, कुछ मैंने प्लेलिस्टें न्यू बनाई हैं, जिस तरह सेशन की डिटेल्स के बारे में हमने कुछ प्रीवियस सेशन लिए उस पर मैंने नई प्लेलिस्ट बना दी, कुछ गाइडलाइंस के बारे में वो मैंने बना दिया। ठीक है, पास पेपर जो डिफरेंट कमीशंस में हेल्ड हुए कुछ 2-3 साल पहले उस पर मैंने अलग से न्यू प्लेलिस्ट बना दिए। तो ये सारा काम करने के लिए आई टुक 2-3 डेज, तो इस दौरान आप लोगों को इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट एक्चुअली आई वॉज वर्किंग फॉर योर बेटरमेंट सो दैट आई कुड क्रिएट कन्वीनियंट फॉर यू पीपल। सो आई होप यू विल फॉलो द गाइडलाइंस। आपको कोई भी मसला हो आपने मेरा नंबर आपके पास मौजूद होता है, आपने कॉन्टैक्ट कर लेना होता है। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी मौजूद है, आई विल ट्राई कि मैं उस पर जो है ना वो लिंक उसको दे दूंगा आपका इस वीडियो में, आप उसको ज्वाइन किया करें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अहम अहम वो भी वहाँ पे मिलती रहती है, तो वो आप ज्वाइन करें। तो ये वो सारी कहानी थी जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिश रखना चाह रहा था कि ये 2-3 दिन एक्चुअली वी वर वर्किंग ऑन द कॉन्टेंट ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, उसके अरेंजमेंट पे, और ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ा था, सो आई थॉट कि मैं इन 2-3 दिन में कर लूँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा, तो हम आप से अगेन माज़ूर खां हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपका टाइम बहुत कीमती होता है। थैंक यू सो मच, जीते रहें, अल्लाह ताला सबका हमें नासिर हो, जीते रहें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।